नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको गुजरात के चंपानेर के किले में लेकर आया हूं दोस्तों। और यहां का इतिहास अलग अलग शासकों के साथ में जुड़ा हुआ है और दोस्तों आज हम इस किले के बाहरी दरवाजे को देख पा रहे हैं जिसे दक्षिण का भद्र द्वार कहा जाता है। और दोस्तों इस किले के चार दीवारी में इस प्रकार के काफी सारे दरवाजे द्वार बनाए गए हैं, जिन द्वारों में से हम यहाँ का बना हुआ ये वाला जो द्वार है इसको देख पा रहे हैं। वैसे तो बताया जाता है कि जो चंपानेर है इसका अपना एक पौराणिक इतिहास है, यानी कि पास में ही माता काली का मंदिर है और उसके बाद में यहाँ पर यदि हम अपनी नज़रें 8वीं शताब्दी से गड़ाते हैं तो इस चंपानेर के पास की पहाड़ियों पर यहाँ के वनराज चावड़ा नाम के जो राजा हुआ करते थे उन्हीं के अधीन एक व्यक्ति थे, उनके मंत्री थे चंपा नाम के या चांपा नाम के, उनके नाम पर ही चंपानेर की स्थापना की गई थी और उन्होंने अपना जो किला था पहाड़ी पे बनाया था। इस किले की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये किला बाद के शासकों ने जब चंपानेर को अपने अधीन में लिया तब बना था। तो इस किले के इस दरवाजे पर लकड़ी का कोई पहले बड़ा गेट लगा रहता होगा, उसको पीछे से बंद करने के बड़े बड़े जो लट्ठे थे लॉक्स थे वो यहाँ पे फंसाए जाते थे, उसके निशान यहाँ पर आज हमें देखने को मिल रहे हैं। अंदर की तरफ से आप देखेंगे तो पूरे का पूरी जो प्राचीर है दोस्तों ये ईंटों के साथ में बनाई गई है, चौड़ी चौड़ी इसकी दीवारें बनी है, प्राचीर बनी है, कई जगह पर आपको होल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे जो कि टूट चुकी है आज के वक्त में। और जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमें दूसरा सामने की तरफ प्रवेश करने का एक द्वार दिखाई दे रहा है। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि यहाँ पर महमूद बेगड़ा ने 1484 के वक्त में अपना शासन कर लिया था और उसी वक्त में यहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको किला मिला उस पर उन्होंने अपना पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार किया और इस स्थान को अपनी राजधानी महमूदाबाद के नाम से उन्होंने रन किया। और दोस्तों इस स्थान पर पहले खींची चौहान जो राजपूत थे उनका शासन हुआ करता था, उनके भी काफ़ी सारे अवशेष थे जिनको तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और आप थोड़ी सी नज़र अपनी इस बड़े दरवाजे पर डाल सकते हैं जिसके ऊपर काफ़ी बारीक पत्थरों का काम है, यहाँ पर खिड़की नुमा छोटे छोटे मोर्चे बने हैं जिसके अंदर काम किया गया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको जो इसका बाहरी जो छज्जा निकला हुआ है एक इसको हम बोलते हैं एक पालकी नुमा जो आकृति बोलते हैं वो देख सकते हैं। और इसी के साथ में दीवार पर कुछ कुरेदी हुई है शायद आयतें होंगी ये जो कि पर्शियन लैंग्वेज में हो सकती हैं, इसको यदि आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं या जानते हैं तो आप इसको करके इसको पढ़ सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों इस पूरे हिस्से की तो इस किले के जो आज हमें रूप दिख रहा है ये तो है महमूद बेगड़ा के वक्त का, क्योंकि इसी प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने अहमदाबाद के अंदर भी देखे होंगे। वैसे तो बताते कि महमूद बेगड़ा 1459 को सत्ता पर बैठ गए थे और उनका जो नाम है महमूद के बाद जो बेगड़ा है ये इनका जो टाइटल है वो 2 किलो को जीतने की वजह से उनको मिला था, एक तो आपका चंपानेर का और दूसरा आपका एक स्थान पड़ता है जूनागढ़ का। उनको जीतने के बाद में बे का मतलब होता है दो, गढ़ा का मतलब होता है गढ़, तब उनको टाइटल मिला था बेगड़ा का। बताते हैं कि बचपन से ही विश्व पुरुष थे, यानी कि पहल बचपन से ही उनकी जो मदर थी वो उनको थोड़ा थोड़ा जहर खिलाती थी और इतने जहरीले थे कि उनके जो कपड़े हैं वो धोए नहीं जाते थे बल्कि डायरेक्ट जला दिए जाते थे। और ऐसा भी बताते हैं कि एक दिन में 35 किलो खाना खाते थे, लंबी लंबी मूछें थी, पीछे बांधनी पड़ती थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो गुजरात के शासनकाल में उन्होंने यहाँ पर जब 1484 के अंतिम वक्त में यहाँ पर अपना कब्जा किया और यहाँ के जो खिची जो राजपूत चौहान थे उनको हराया तो उसी वक्त में इस किले की काफ़ी चीज़ों को नष्ट भी किया गया, उसको दोबारा से पुनर्निर्माण भी किया गया था। और ऐसा बताते हैं दोस्तों रावल पतई जयसिंह और उनका मंत्री डूंगर सिंह उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लें, बट उन दोनों ने मना कर दिया और डूंगर सिंह को और जयसिंह को यहीं पर मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस पूरे चार दीवारी के अंदर आज के वक्त में तो यहाँ का शहर बस चुका है जिसको हम आज के वक्त में चंपानेर या चांपानेर के नाम से जानते हैं। अंदर की तरफ दोस्तों एक दूसरी इमारत है उसको कैप्चर करेंगे, आ जाइए। अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं एक ऐसी इमारत में जहां पर
पहले के शासकों के वक्त में यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का काम किया जाता था। इसे हम बोलते हैं मांडवी या फिर कस्टम हाउस, और इसी स्थान को मराठों के वक्त में चुंगी का नाम दिया गया था। अब दोस्तों हम इस इमारत की कुछ खासियत की बात करें तो इस इमारत के अंदर आपको काफी सारे पिलर दिखाई देंगे, आर्च वाले बने हुए हैं, और यहाँ पर ऐसा बताते कि इस वाले हिस्से को है ना इस पूरे चंपानेर के किले से बिल्कुल काट के बनाया गया था, अलग से इसको इस्तेमाल किया जाता था। और जैसा इसका नाम है उससे मालूम पड़ता है कि जितना भी उनको आसपास की रियासतों से पैसों का कलेक्शन होता था ना उसका हिसाब किताब इसी स्थान पर किया जाता था। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि इस स्थान को जब महमूद बेगड़ा ने अपनी राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया तो उसी समय इस इमारत की एक महत्वता थी, और 1535 में हुमायूं ने, 1573 में अकबर के शासनकाल में, और 1729 में जब मराठों ने अपना यहाँ पर अधिकार कर लिया था सिंधिया परिवार ने, सिंधिया के उन सभी लोगों ने, सेना ने, तो इसको चुंगी का नाम दिया गया और यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का सारा काम किया जाता था। और दोस्तों आज के समय में इस इमारत का कुछ जो हिस्सा है वो बचा हुआ है जो हमने अभी देखा है, और कुछ यहाँ पर आप आसपास के व्यू को कैप्चर करेंगे। सामने तक दोस्तों देखेंगे आप तो उस समय की कुछ तोप वगैरह के अवशेष हैं वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ तो टूट गई हैं और कुछ साबुत यहाँ पर रखी हुई हैं, तो इनको एक प्रदर्शनी के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। इसी के साथ साथ में दोस्तों काफ़ी सारी पुरानी इमारतें हैं जो इसके आसपास वाले क्षेत्र में फैली हैं। अब देखते हैं कि हमारे कदम किस इमारत की तरफ पड़ने वाले हैं। दोस्तों अब हम इस किले के प्राचीर के उन बुर्जों को देखने वाले हैं ताकि आप ये समझ सके कि कितने सारे बुर्जों के बीच में ये प्राचीर बनी है। पहले तो आप इस लंबे प्राचीर को देख सकते हैं जहां पर आपको ऊपर वाले भाग टूटा हुआ दिखाई दे रहा है और गोल गोल इसके बुर्ज दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा बताया जाता है दोस्तों इन्हीं के ऊपर बाद के वक्त में जिस समय तीर और धनुष चलते थे उसके बाद में यहाँ के जो बाद के शासक थे यानी कि मुगल शासनकाल के कह सकते हैं यहाँ पे मराठों के, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी तोप वगैरह भी स्थापित कर दी थी। तो ये इस प्रकार का बुर्ज बना होता था जो कि ऑक्टागनल शेप का है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ देख सकते हैं, टूटा हुआ हिस्सा है। और इसके साथ वाले हिस्से में दोस्तों देखेंगे आप यहाँ का दक्षिण द्वार कितना भव्य दिखाई दे रहा है, और सामने की तरफ काफी सारे मोर्चे यहाँ पे बने हुए हम आज देख पा रहे हैं। अब जाएंगे दोस्तों इसके आगे वाले भाग में और कुछ नया देखने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं चंपानेर किले के पूर्व के भद्र द्वार पर, और दोस्तों इसकी जो शेप है वो बिल्कुल बाकी के जो द्वार हैं उनके जैसी ही बनी हुई है। बस यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि मजबूती की दृष्टि से इनकी बाहरी दीवारों को काफ़ी ऊंचा चौड़ा और मजबूत बनाया गया था। पहले दीवारों को ईंटों से बनाया जाता था, उसके बाद में बाहर की तरफ बड़े बड़े ये पत्थर जो है ये लगा दिए जाते थे। देखो वैसे अगर हम इतिहास के पहलों के पन्नों को उठा के देखते हैं ना तो हमें मालूम पड़ता है कि तकरीबन 470 एडी से लेकर और 788 एडी का ये वक्त था जिस समय यहाँ पर मैत्रक शासक चल रहा था और यहाँ पे उनके सिक्के भी मिले थे। लेकिन दोस्तों आज का जो ये चंपानेर है ना ये उन शासकों का चंपानेर नहीं था, वो चंपानेर तो पहाड़ी के ऊपर स्थित था, और ये वाला जो आज का आपको स्थान दिखाई दे रहा है ये उस समय बसा था जिस समय यहाँ पर महमूद बेगड़ा ने अपनी सत्ता काबिज कर ली थी और यहाँ के जो अंतिम रावल शासक थे जयसिंह उनको हरा दिया था, और उनको हराने के बाद में तकरीबन ये 1484-85 के आसपास की बात है, और उस समय उन्होंने इस पूरे हिस्से पर जो उनको बनी इमारत मिली होगी उस समय के जो चौहान शासक थे, खींची चौहान राजपूत शासक थे जिन्होंने तकरीबन 184 वर्षों तक इस एरिया पे अपना शासन किया, उस इमारत के ऊपर उन्होंने अपनी नई इमारत ये तैयार कर दी थी। और यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये है ना उस समय का मुख्य दरवाज़ा रहा होगा और शाही लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता होगा, इसी वजह से तो इस पूर्वी दरवाजे के बाहर वाले हिस्से में जामा मस्जिद बनी हुई है, और यहाँ पर उनका जो हाथी और लाव लश्कर जो था ना वो सब यहीं से आते थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग है ना इनके बैठने की स्थली भी देख पा रहे हैं। जैसे आप आगे की तरफ आएंगे ना तो आपको यहाँ पर इनके बैठक स्थली भी दिखाई देगी, और इससे मालूम पड़ेगा कि ऊंचे ऊंचे जो द्वार बने हैं ना इससे हम ये जज कर पा रहे हैं कि उनके पास में जो हाथी वगैरह थे, घोड़े, सैनिक जो थे वो सब इस रास्ते से अंदर आते होंगे, या फिर जो यहाँ के मुख्य शासक थे वो जब यहाँ पर कोई कार्यक्रम करते होंगे तो इन्हीं रास्तों से उनका जो लाव लश्कर है वो गुजरा करता था। बट हमें एक ऐतिहासिक नज़रिया आज भी चंपानेर का जो ये वाला स्थान है वो पेश करता है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी इमारतें इधर उधर फैली हुई हैं। अब चलते हैं किसी नए भाग की तरफ।